नमस्कार साथियों, ये हमारे लोकोन वैरायटी की गेहूँ है जो कि दिनकर की लोकोन वैरायटी है। और साथियों, इसकी बुआई हुई थी 5 नवंबर 2023 और आज है 25 दिसंबर 2023, यानी कि इसको फिक्स 50 दिन के आसपास हो चुके हैं। और साथियों, ये अभी इसमें तीसरा पानी लगाया जा रहा है, यानी कि 2 पानी हमने लगा दिए थे और 1 पानी बारिश का गिर गया था, तो 3 पानी हो गए थे। अभी 1 महीने बाद नेट इसमें तीसरा पानी लगाया जा रहा है, या अभी चौथा पानी भी इसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि 1 बारिश हो चुकी थी। साथियों, ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि एक तो आपको खाद के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि 50 दिन के अगर आपके गेहूँ हो जाते हैं, 50-55 दिन के, उसके बाद उसमें कोई भी खाद काम नहीं करता है, तो आप इसमें कोई सा भी खाद हो सके तो डालने से बचें। दूसरी बात कि अगर आपका कोई से भी गेहूँ अगर आपने बुआई कर रखी और वो छोटे हैं, 50 दिन के अंदर अंदर के हैं, तो आप उसमें खाद वाद जितना भी आपको डालना है आप डाल सकते हो, उसके बाद कोई दूसरा खाद काम नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि साथियों, 50 दिन के गेहूँ होने के बाद अगर कोई भी बताता है आपको कि आप गेहूँ की पैदावार या उत्पादन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये खाद डालिए, ये टोनिक डालिए, जिससे आपकी फसल में उत्पादन बढ़ सकता है, तो साथियों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 50 दिन की अवस्था में इसकी बालियां लगभग बनने लग जाती है। इस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारा पौधा है, तोड़ा मैंने, तोड़ा और इसको छील के दिखाता हूँ अभी कि इसमें बाली बन चुकी है। साथियों, 50 दिन के हमारे गेहूँ हो चुके हैं और इसमें बाली बन चुकी है, इस प्रकार से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो साथियों, ये इसमें बाली बन चुकी है, इस प्रकार से ये वाली बन चुकी है, तो ये 50 दिन की इसकी अवस्था है साथियों। तो अगर आप इसमें अब डालेंगे कुछ भी तो वो काम नहीं करेगी वो चीज़, क्योंकि इसमें बालियाँ बन चुकी है। और आप चाहे तो इसमें हल्का फुल्का यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो भी टोनिक डालना चाहें हल्का फुल्का डाल सकते हैं आपकी मन की तसल्ली के लिए। बाकी इसमें कोई सा भी खाद काम नहीं करता है। बाकी दानों का वजन बढ़ाने के लिए और चमक वमक बढ़ाने के लिए आप इसमें प्रति एकड़ 20 किलोग्राम MOP यानी कि पोटाश डाल सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके दानों का वजन बढ़ जाएगा और दानों में चमक हो जाएगी। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। और तीसरा पानी आपको इस अवस्था में लगा देना चाहिए, यानी कि अगर आपके किसी भी प्रकार से अगर बारिश की वजह से या फिर किसी प्रकार से आपके गेहूँ इतने बड़े हो चुके हैं, 50 दिन के हो चुके हैं, उसमें पानी अब लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, आप उसमें एक बार पानी लगा दीजिए, फिर उसके बाद 1 पानी की आवश्यकता और आपको लगेगी जब बालियाँ भरने का समय आएगा। बाकी ये गेहूँ है जो कि लोकवन दिनकर वैरायटी है और 50 दिन की स्थिति में खड़े हुए हैं। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो के हर अपडेट समय पर मिलते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।